क्या तुम कचरा करते फिरो और मैं साफ करती फिरूं? सॉरी 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 इंटरेस्ट है तुम्हें? हाँ, अब बीवी नहीं हो तुम मेरी। काश कि कभी होती भी नहीं। वैसे उसी को लिख रहे हो ना, जिसके साथ होटल में रंगे हाथ पकड़े गए थे? तुमसे मतलब? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इंसानियत के नाते बोल रही हूँ कि वैसे हमारा तलाक तो हो ही चुका है, तो तुम उससे शादी भी कर सकते हो। मुझे क्या करना चाहिए मैं अच्छे से जानता हूँ। बस मेरा बेटा इतना बड़ा हो जाए कि चीजें समझने लगे और मुझे सपोर्ट करने लगे। चीजें समझने लगे और तुम्हें सपोर्ट भी करे? वो मेरा बेटा है। जिस दिन उसे ये पता चलेगा ना कि तुमने उसकी मम्मी के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, तुम्हारी तरफ ना मुड़कर भी नहीं देखेगा वो। मम्मी पापा किसे मुड़कर नहीं देखूंगा मम्मी? वो क्या है ना बेटा, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे कि तुम आगे जाकर नाना नानी और अन्ना के संस्कारों की मिसाल बनोगे, किसी गलत काम की तरफ मुड़कर देखोगे भी नहीं, यही बात कर रहे थे हम, है ना गायत्री? हाँ हाँ, देखा सुमित अंकल, मैंने आपको कहा था ना, मेरे मम्मी पापा कभी नहीं झगड़ते। झगड़ा? लेकिन मैंने आप दोनों की जोर जोर से आर्गुमेंट सुनी थी। अच्छा वो क्या है ना, मेरे सर में थोड़ा सा दर्द सा फील हो रहा था और गायत्री मुझे फोर्स कर रही थी हेड मसाज के लिए, तो मैंने मना कर दिया। अच्छा पापा ठीक है, तुम जीती मैं हारा, बस तुम्हें जो एक्सपेरिमेंट करना है वो कर लो मेरे सर में, करो 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 करो। अब आए ना तुम लाइन पे, अभी लगाती हूँ। सुमित अंकल, आप भी आंटी के साथ ऐसे ही रहा करो तो आप दोनों के मन में डाइवोर्स जैसा फालतू आइडिया कभी नहीं आएगा। क्या लगा दिया इसने मेरे सर पे? अब कूल लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रुको और लगा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, काफी है काफी है काफी है। तुम क्या देख रहे हो? Can we have our husband wife moment please? Yeah yeah sure। नहीं नहीं सुमित भैया, आप रुक सकते हो। अरे रुको रुको, मैं उठाता हूँ। Sorry। निकालो, तुमने क्या सर में मिर्ची डाली क्या? तो तुम्हीं ने तो कहा था वैसे भी। अरे सर का क्या, कुछ भी रिसर्च कर लो तो क्या, अपनी नौकरानी समझकर मुझसे हेड मसाज करवाना चाहते थे? अरे वाह भारती वहिनी, हाँ छोले तो बहुत ही बढ़िया बने हैं। बनेंगे क्यों नहीं, आखिर बनाए किसने है? आपने किसने का इशारा ऐसे क्यों किया? ये किसने में से सिर्फ किसका इशारा था? क्या तुम्हें संगीता? क्या भारती? एक सेकेंड। हाँ 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 बोलो। काम हो गया? कैसे होगा काम, ये भारती वहनी किचन से हिलने का नाम ही नहीं ले रही। भारती आई सासू भाई। मिल गया मौका, एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ लो, डाल दी मैंने तुम्हारी हरिश्चंद्र बूटी ये छोले में। शाबाश। लेकिन तुम्हें लगता है काम करेगा? अरे 100% काम करेगा, और मैंने प्लान बी रेडी किया है। प्लान बी? हाँ, मैंने गायत्री और अभिषेक के रूम में पेन स्टैंड में रिकॉर्डर छुपा दिया है, वो जो भी बातें करेंगे वो उसमें रिकॉर्ड होगा और हमें पता चलेगा गायत्री और अभिषेक के आपस का व्यवहार नेचुरल है या हमें दिखाने के लिए शुगर कोटेड। अब ये लोग जो प्यार भाईचारा एकता का ढोल पीटते रहते ना, तो इस बार फटके रहेगा।
तो क्या तुम मेरे सर में मिर्ची का तेल डालोगी? तो क्या तुम्हें क्या लगा तुम्हारी हेड मसाज करूंगी मैं? ये ना तुम अपनी वो होटल वाली लड़की से करवाना जिसके साथ पकड़े गए थे। तो तुम्हें किसने रोका है? जाओ तुम भी करो रोमांस किसी के साथ, जाओ जाओ जाओ। मैं तुम्हारी तरह लूज कैरेक्टर नहीं हूँ ना, छल करना नहीं सिखाया मेरे पेरेंट्स ने मुझे। तो मेरे अन्ना ने भी मुझे किसी को धोखा देना नहीं सिखाया, जिनको गुमराह करके मुझे अपने घर से निकलवा दिया तुमने। जाहिर है मेरे अन्ना ऐसे संस्कार दे ही नहीं सकते। और हाँ, घर से निकलवाने की बात, मेरा बस चले ना मैं तुम्हें महादेव पेट से निकलवा दूं, क्योंकि मुझे ना तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। मैं भी तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहता, बस अपने क्रेश की वजह से झेल रहा हूँ तुम्हें। मैं भी उसी की वजह से झेल रही हूँ तुम्हें। और वो जो सुमित संगीता आए हैं ना, उनकी वजह से तुम्हारे साथ प्यार और रोमांस का नाटक करना पड़ रहा है। एक बार वो लोग चले जाए ना, फिर देखना परमानेंट राज करती हूँ तुम्हारा। आज गायत्री और अभिषेक के खाना खाने के बाद हरिश्चंद्र बूटी अपना सर दिखाएगी, उसके बाद इनके प्यार एकता भाईचारे का जो सच है ना, वो अपने आप उनके मुंह से निकलेगा और उनकी ओवर एक्टिंग भी खत्म हो जाएगी, जो इतने दिनों से वो ना सिर्फ मेरे और तुम्हारे सामने करते हैं, बल्कि उसके जरिए अपने बेटे कृष्णा को भी धोखा दे रहे। हे भगवान, ये साजिश रची इन लोगों ने। ये लोग सफल हो गए और अभिषेक गायत्री ने बूटी मिलाया, खाना खा लिया, तो ना सिर्फ इनके सामने बल्कि कृष्ण के सामने भी सच बाहर आ जाएगा। उनको खाना खाने से रोकना होगा। अभी अन्ना भाई मैं यहाँ दुश्मन के दरवाजे पर क्यों खड़ा हूँ? चलो चलो अभी खाना पीना शुरू करो। या ऐसे ही एक दूसरे के सामने मुस्कुराते देख देख कर ही पेट भर जाएगा। नहीं अन्ना, हम खाने से पहले आपको थैंक्स कहना चाहते हैं कि आपने हमारी बात मानी। अरे अरे अरे, थैंक्स नहीं बीइंग्स, इसमें क्या, हिंद महासागर की तैराकी करने को थोड़ी ना बोला था मुझे जो मैं मना कर देता। वैसे एक बात समझ में नहीं आई सुमित बाड़ा, ये तुमने ऐसा क्यों आग्रह किया कि पहले तुम चारों बैठ कर ही खाना खा लो करके? वो दरअसल अन्ना, इतने दिनों से हम इन लोगों का प्यार देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी इनको फॉलो करते हैं, क्यों सुमित? क्यों नहीं, और शुरुआत खाने से करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक साथ खाने से ही प्यार बढ़ता है। अप्रतिम विचार है ये सुमित बाड़ा, अप्रतिम। तुम्हारे सुधाकर पप्पा को पता चलेगा ना तुम्हारे इस विचार के बारे में, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। चलो चलो खाना खा लूं। एक मिनट गायत्री, दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाओ। खिलाओ खिलाओ, एक दूसरे को खिलाओ। महेंद्र, हथेली से याद आ जाएगा कि हथौड़ा ला के दूं? मैं चुप करने चिबावली, याद करने देना मुझे कि मैं अन्ना भाई के घर क्यों जा रहा था। थोड़ी एनर्जी आएगी तो याद आ जाएगा, आप खाना खा लीजिए पहले। याद आ गया, खाने से याद आ गया, खाने को लेकर कोई बात थी। अच्छा तो मैं याद करवाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, आपको याद है आप राजकोट पहली बार मुझे देखने आए थे, तभी मेरी कामवाली को देखकर मैं समझकर आप शर्मा गए थे। इस बात का अन्ना भाई के घर से क्या लेना देना है? हो सकता है आप ये किस्सा अन्ना भाई को सुनाने गए हो। अरे ये किस्सा मैं अन्ना भाई को क्यों सुनाऊंगा डोबी, खतरनाक बात थी। खतरनाक तो हो सकता है ये किस्सा आप वो कबूतर कबूतरी वो सुमित संगीता को सुनाने गए हो। यहाँ याद आ गया, अरे उन दोनों ने अन्ना भाई के किचन में जाके खाने में हरिश्चंद्र बुट्टी नाम की कोई दवाई मिलाई है। अब उन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। फूड पॉइजनिंग नहीं डोबी, वो खाना जो भी खाएगा वो सच बोलने लगेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। सोच अगर अभिषेक गायत्री ने वो खाना खा लिया तो उनके मुंह से सारा सच बाहर आ जाएगा, और फिर सुमित संगीता बोलेंगे कि आप खुद तो तलाक लेकर बैठे हैं और हमें नसीहत दे रहे हैं। संगीता और सुमित गए तंबूरा लेने,
अगर गायत्री अभिषेक सच बोलने लगेंगे तो बेचारे कृष को सब पता चल जाएगा। है वो नन्ही सी जान कैसे सहन कर पाएगा ये सब कुछ। मैं अभी जाके उनको खाना खाने से रोकता हूँ। रुकिए रुकिए, हमने ये नाश्ता खास आपकी पसंद से आपके लिए बनाया है स्पेशल मिर्चियां डालकर। क्या हुआ, क्यों रोको खाने से? हाँ हाँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी हमारे साथ में खाने वाले हैं ना। हमारा आपस में तय हुआ है कि नहीं महेंद्र भाव, उर्मिला बहन, बोलिए। हाँ क्या है ना सुमित बड़ा, इन लोगों ने कैसे आग्रह कर करके मुझे पोहे खिलाए थे, तो अभी मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी आग्रह कर करके इनको कुछ तो भी खिलाऊं। खिलाइए। कीजिए आ। दूर। अभी आपकी बारी। मेरा तो पेट ही भरा हुआ है अन्ना भाई। और नहीं नहीं, मैं तो आग्रह करके खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा। अच्छी बच्ची, अच्छी बच्ची। कैसा है स्वाद? अच्छा है ना? अच्छा ही होगा, हमारी भारती ने बनाया है और संगीता ने मदद की है। परमेश्वरा धन्यवाद। हम लोगों का तो खाना हो गया, अब आप लोग खाइए। अब हम अभिषेक और गायत्री के कमरे में जाकर उनसे सुखी दाम्पत्य जीवन के टिप्स लेते हैं। जरा हम भी तो देखें कि इनके बीच इतना प्यार कैसे बरकरार रहता है। चलो अभिषेक भैया, चलो गायत्री। अच्छा जाने वाले। उर्मिला बहन, महेंद्र भाऊ, इसको बोलते ही अन्ना का प्रतिशोध। अरे अन्ना भाई, आपके प्रतिशोध के चक्कर में आपने अपनी कान पट्टी में बंदूक रख के चला दी। हाँ। महेंद्र बताइए, इनको बताइए। अरे बाप रे, वो अभिषेक और गायत्री ने तो घपाघप खाया है और खिलाया है एक दूसरे को। कहीं उन्होंने सुमित और संगीता को सब कुछ सच सच बता दिया तो? बताओ ना अभिषेक, गायत्री, तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई शिकायत नहीं? मतलब तुम दोनों का आपस में कभी कोई झगड़ा नहीं होता? बोलो गायत्री। गायत्री गायत्री बड़ा, वो खाने की नियमावली तूने मेरे लिए, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डाइट चार्ट है ना? हाँ, डाइट चार्ट। वो किधर है, मुझे ये जरा ढूंढ के देना बड़ा। क्या है ना, अभी मुझे उस पे अमल करना है, अभी बारिश का मौसम शुरू हो रहा है ना। हाँ, तो अभी मुझे उसके हिसाब से ही चलना है, मतलब उसके हिसाब से पहले खाना है फिर चलना है। विनोद किया। कॉमेडी कॉमेडी, बहुत कॉमेडी है अन्ना भाई। अरे इतना कॉमेडी कोई कैसे हो सकता है भला। कॉमेडी कॉमेडी, बहुत कॉमेडी है अन्ना भाई। इतना कॉमेडी कोई कैसे हो सकता है भला। कॉमेडी कॉमेडी। महेंद्र भाई,
मैं अभी अभी आपका चाबी वाला खिलौना बंद कीजिए और याद कीजिए आपको भी कुछ अभिषेक से काम था ना आपको। कौन अभिषेक? मैं तो यहाँ इमली तोड़ने के लिए अपने दोस्त राजू को बुलाने आया हूँ। अंकल राजू उधर है वो लाल शर्ट में है ना बैठा ऐसा ऐसा कर रहा है वो राजू। नहीं नहीं वो तो दूसरे वाले अंकल है। वो राजू के पप्पा है वो। अच्छा बदल गए? हाँ वो बदल गए। तो अभी राजू के पप्पा आप ये चश्मे वाले को लेके जाओ राजू के पास में। अच्छा बेटा बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे गायत्री पड़ा हाँ? चल बाहर चल आ जा। हाँ अरे एक मिनट गाय हार्ट चाहिए ना हमको। देखा खाने के बाद मुखवास के नाम पर एक किलो श्रीखंड खा जाने वाले ये अन्ना आज डाइट चार्ट की बात करने लगे। बहाना था बहाना। इन बहाने के नाम पर इन दोनों को क्यों लेके गए? ये ऐसा तो नहीं है उनको हमारे बूटी के बारे में पता चल गया? नहीं नहीं उसके बारे में तो सिर्फ हम दोनों को पता है। उनको कैसे पता चलेगा? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बूटी का असर 24 घंटे तक रहता है तो कभी ना कभी उन दोनों को पकड़ कर सच बुलवा ही लेंगे। और वैसे भी हमारे पास तुम्हारा प्लान बी भी तो है। हमारा वॉइस रिकॉर्डर आ जाओ इधर। एक काम करते हैं हम अभी इसे लैपटॉप में लगाकर अब तक की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अभी रुको। क्यों? अभी तो सिर्फ 4 घंटे हुए हैं ना। मैं तो कहती हूँ थोड़ा और रिकॉर्ड हो जाने दो। वैसे भी हमारा प्लान ए अभी काम कर रहा है। और सोचो अभी तो घर के सारे लोग खाना खा रहे होंगे। बस एक बार वो पूटी मिलाया हुआ खाना सब लोग खा ले फिर हमें भर भर के सच बोलने वाले लाइव ह्यूमन रिकॉर्डर मिल जाएंगे। हाँ आप दोनों को याद है ना? भूले नहीं हो ना अन्ना ने क्या कहा है? हमको सुमित और संगीता के सामने ऐसा दिखाना है कि हमने पेट भर खाना खा लिया है। खाना खाने से भर जाता है पेट, जूस पीने से भी भर जाता है पेट। तो जूस खाना एक हुए, केशव मक्खी चूस चाराना अठाना एक हुए। चार। ओ भारती बहनी कह छान कह छान। और प्रभाकर दादा आपको हमेशा मैं ही मिलता हूँ क्या? वाह 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 भारती बहनी मटर की क्या सब्जी बनाई थी आपने, मजा आ गया। भाई 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 केशव बाबू जी आज मैंने मटर की सब्जी बनाई नहीं। भारती भारती यहाँ बड़ा बड़ा बोला। भारती कहीं तुमने वो बूटी वाला खाना तो नहीं खा लिया? नहीं 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 खाना तो नहीं खाया लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा ना क्योंकि किचन में ये भी थी मेरे साथ इसलिए उसको बताया कि मैंने मटर की सब्जी नहीं पूरी और छोले बनाए थे। अच्छा वो छोले थे मुझे मटर जैसे क्यों लगे? कंफ्यूज हो गया होऊंगा। शेप जो है वो दोनों के ऑलमोस्ट सेम है ना गोल गोल। अरे तुझे छोले और मटर में अंतर नहीं पता? ये गाना सुन सब क्लियर हो जाएगा। मस्त। नहीं 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 प्रभाकर दादा मैं मजाक कर रहा हूँ। जिस तरह हम आज तक एक साथ प्यार से रहते आए हैं हमारे बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ ऐसा हमेशा रहे ऊपर वाले क्योंकि साथ रहने से बढ़ता है प्यार। बस बस प्रभाकर दादा पूरे ऊपर वाले के साथ साथ आस पड़ोस वालों ने भी सुन लिए ये। कितना मेलोड्रामा करते हैं ये लोग। लेकिन ये बूटी वाला खाना खा के बोल रहे हैं उसका मतलब सच बोल रहे हैं क्या? तो वाकई इन लोगों के बीच आज तक झगड़ा नहीं हुआ? और मिला बैठ हो सकता है कि सुमित और संगीता फिर से अभिषेक और गायत्री से सच उगलवाने का प्रयत्न करें। इसीलिए मैंने भारती से कहा है कि गायत्री को कमरे से बाहर ना निकलने दे।
अभी अभिषेक का आप लोगों ने क्या? अभिषेक की चिंता आप मत कीजिए, केशव है ना केशव, वो उसको संभाल रहा है। लेकिन महेंद्र भाऊ, उर्मिला बहन, क्या है ना, ये सुमित संगीता की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करके उन दोनों को यहाँ से रवाना करते हैं, वरना क्या है, वो लोग हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए अन्ना भाई, मैं उन लोगों को 2 मिनट में फुटा दूंगी यहाँ से। नहीं, 2 मिनट नहीं, 2 दिन, 2 दिन। आप सच कह रही है उर्मिला बहन? हंस तो ले उड़ी अन्ना भाई, आप भूलिए मत, वो बूटी डाला हुआ छोले पूरी आपने हम दोनों को भी खिलाया है, और मैंने घर पे जाके महेंद्र पर उसका टेस्टिंग भी कर लिया, बूटी एकदम परफेक्ट काम कर रही है। अच्छा? मैंने महेंद्र से पूछा कि महेंद्र सच सच बताइए, मैं और को मिला दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है, तो एकदम सच जवाब दिया महेंद्र ने। और क्या सच बोला महेंद्र भाऊ ने? अन्ना भाई, ये मेरे सर पे पट्टी देख कर भी आपको अंदाजा नहीं आ रहा है मैंने क्या जवाब दिया होगा। अरे आप दोनों क्या की दादी कर रहे, खतरे में हम सब है, इसीलिए मैंने मंदार को बुलाया है सुमित और संगीता पे नजर रखने को, क्योंकि केशव और भारती अभिषेक और गायत्री को संभाल पाएंगे इस बात में मुझे संदेह है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.